नमस्कार दोस्तों, सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक से मैं सरवन सिंह राठौड़ और आज के इस वीडियो में आपको राजस्थान पुलिस का जो पेपर होगा उसके अंदर जीके के क्वेश्चन आएंगे। तो जो मोस्ट जीके के क्वेश्चन है वो मैं आपको वीडियो के द्वारा अपलोड करता रहूंगा यूट्यूब पर, ताकि आपकी सहायता ज्यादा से ज्यादा हो सके। और ज्यादा वक्त न गुजारते हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, अष्टक सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया। ठीक है, अष्टक सिद्धांत में यह बताया गया था कि प्रत्येक 8 क्रमांक जोड़ने के बाद में उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और गुण क्या हो जाते हैं? सम्मान। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे.जे. थॉमसन ने। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, तो प्रोटॉन की खोज किसने की? ई. गोल्ड स्टीन ने की। तीनों को आप याद रखें। ठीक है, पादपों का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो हरित लवक। और हरित लवक ये क्या होता है? हरित लवक होता है पौधे में जो हरे रंग का वर्णक पाया जाता है उसे ही हरित लवक कहा जाता है। ठीक है, और पौधे के लिए वो जो खाद्य निर्माण की प्रक्रिया वो किस भाग में संपन्न होती है? पत्तियों में। तो पत्तियों को खाद्य फैक्ट्रियां भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर ये राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है, बल्लीनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप देखें आगे कि द्रव्य धातु किसे कहा जाता है? तो ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम क्या? तो उसका नाम है पारा मरकरी HG। ठीक है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण इनके गुरु थे और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, फिर आप आगे देखिए, सर्वाधिक सेब उत्पादक देश कौन सा है? यानी विश्व में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन करने वाला देश, तो वो है फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी का नाम है पेरिस। और फ्रांस के बारे में यह भी कहा जाता है यहाँ पर मच्छर नहीं पाए जाते हैं। ग्लूकोज में पाया जाता है, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो पदार्थ मीठे होते हैं उनमें अमूमन तौर पर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा है, क्रिकेट के खेल में स्टंप की लंबाई होती है? इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्स में, कंपटीशन के एग्जाम्स में, तो क्रिकेट के खेल में स्टंप की लंबाई कितनी होती है? 28 इंच। ठीक है दोस्तों, फिर ये ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। ठीक है, याद रखें। पीलिया रोग से प्रभावित अंग यकृत। मदरसा ए हुदरी की स्थापना किसने की? महाराजा राम सिंह ने। ठीक है, फिर आगे देखें आप, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। ठीक है, मोरबंदिया विवाह किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा से संबंधित है उसी प्रकार DNA किस से संबंधित है? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा से संबंधित है, उसी प्रकार DNA वंशानुगत से संबंधित है कि इसका DNA उससे मैच करता है। तो यानी वो वंशानुगत क्या होते हैं? जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।